इस वीडियो में देखो हमें क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके जो एमसीक्यू हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। आपके बुक में 3 एमसीक्यू हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, कि इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है। देखो इंसुलिन तो हमें पता है, इंसुलिन जो है डायबिटीज के लिए होता है, ह्यूमन बॉडी में ना रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो डायबिटीज का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए प्लांट हार्मोन तो नहीं है, ये एनिमल ह्यूमन हार्मोन है। थायरोक्सिन भी जो है ह्यूमन हार्मोन है, इसकी कमी से क्या चीज गोइटर हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, गोइटर हो जाती है। और एस्ट्रोजन भी क्या है, ह्यूमन हार्मोन है। तो बचा क्या, साइटोकिनिन, ये क्या है, साइटोकिनिन जो है ये प्लांट हार्मोन है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, डी। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, डी। तो इसी तरीके से देखो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, पता है हमें कि हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, बी। बी आंसर आएगा साइनेप्स, क्या कहते हैं, साइनेप्स, क्या कहते हैं, साइनेप्स। तो पहले का आंसर डी, सेकेंड आंसर बी, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं, साइनेप्स, क्या कहते हैं, साइनेप्स। अब द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमारा ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो सोचता भी है, बॉडी को बैलेंस भी करके रखता है, और हमारी हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है, हमारी हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, डी। क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, तो डी आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या था, डी साइटोकिनिन, एंड सेकंड का बी साइनेप्स, एंड थर्ड का डी ऑल ऑफ द अबव।